आपण 11वा धडा बघूया, जंगल डायरी। आता जंगल डायरी म्हणजे काय? तर डायरी म्हणजे आपण काय करत असतो, नोंद करत असतो, नोंद आपल्या नोंदी लिहित असतो। तसेच जंगल डायरी म्हणजे जंगलातील वातावरण व वन्य पशूंच्या संदर्भात येणाऱ्या अनुभवांची नोंद करणे। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी वाघिणीमध्ये दडलेल्या आईचे हृदयस्पर्शी वर्णन व त्या संदर्भात आलेल्या प्रसंगांचे चित्तथरारक चित्रण रोमहर्षक शब्दात केले आहे। आता आपण पाठ वाचूया। तारीख 27 मे 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, कोळसा परिक्षेत्र ताडोबा, अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर। आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला। समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला। मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं तर त्यानं रस्त्याकडे बोट रोखलं। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथं उमटली होती। हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासाभर आधीच इथून गेला असावा। मी चौफेर पाहिलं पण मला काही दिसलं नाही। मग आता लेखकांनी त्यांचा जो अनुभव लिहिलेला आहे जंगल डायरीमध्ये, तर त्यामध्ये त्यांनी वाघिणीमध्ये दडलेल्या आईचं सुंदर अशा शब्दात वर्णन केलं आहे। मग हे वर्णन करताना हे कधीचं वर्णन आहे? तर 27 मे 1997 हा अनुभव आहे त्या दिवसाचा। ते ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर येथे फिरायला गेले आहे विश्रामगृहातून, यानी की गेस्ट हाऊस मधून। तो जो लेखक है उन्होंने अपना अनुभव बताया है और वे किसकी राह देख रहे थे? टोंगे वनरक्षक की। और जब वे आया तो वे सब जाने को निकले, और जब वे जा रहे थे तो जो वन मजूर है वो एकदम अचानक थबकला, यानी कि वो रुक गया, डर गया। तो वो क्यों डरा था? क्योंकि उसने कुछ फुटप्रिंट्स देखे थे, और वो जो फुटप्रिंट्स थे तो वो बिबटे के थे। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। मी सगळ्यांना हातानच थांबायची खूण केली। दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली। तिथं एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळा बसला होता, पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं। पण तेवढ्या टोंगे वनरक्षकांचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला। तिखट कानांच्या बिबळ्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एका झेपेतच तो जंगलात अदृश्य झाला। तो अभी जो लेखक है, लेखक और जो उनके सहकारी है जो जा रहे थे जंगल सफारी पर, जंगल देखने के लिए, तो अचानक आगे जाते ही उनको क्या दिखा है कि कुछ हलचाल त्यांना जाणवली आहे। और उन्होंने क्या देखा है कि तेंदूच्या झाडाखाली, तेंदू का एक वृक्ष होता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है, उस वृक्ष के नीचे कौन बैठा था? बिबड़ा, यानी कि बिबटा बैठा था। और
उस वन रक्षक का यानी कि वन मजदूर मजदूर था मजदूर उसका जो पैर है वो एक सूखी लकड़ी पर पड़ा और आवाज होते ही वो जो बिपटा है वह वहां से भाग गया है। बिबट्याच्या निरीक्षणांची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो। टोंगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखं वाटलं। आम्ही लगेच पुढे निघालो। थोड्याच अंतरावर रायबाकडे जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता। तो रस्ता धरला आणि जंगल आणखीनच दाट झाल्यासारखं वाटलं। इथं दोन तीन नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्त जाणवते। तसेच त्या नाल्यांमध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठल्याही वन्य प्राण्याची दिसण्याची शक्यता होती। त्यामुळं आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं। तो अभिजो लेखक है और टोंगे जो है वह सब क्या आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो टोंगे है उनको क्या लगा था कि उनकी वजह से उनका जो बिपटा है या वन्य जीव को देखने का एक सुनहरा जो मौका है वह हाथ से निकल गया है, इसलिए उस वजह से वे लेखक जो है क्या हो गए हैं हड़हड़े यानी कि वे दुखी हो गए हैं। फिर वे जब आगे जा रहे थे तो आगे जो नाला एक नाला था छोटा और उसमें पानी होने की वजह से वहां पे उन्हें वन्य पशु दिखने की आशा थी और अभी जो उनको जाना था वह बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना था। काल संध्याकाळी विश्राम गृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात चार पिल्ल असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। तेव्हापासून मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपास वावरतं। तो अभी जो लेखक और वो टोंगे जी है तो उनके बीच संवाद हुआ था और जो टोंगे जी है उन्होंने क्या देखा था उस परिसर में एक बाघ को देखा था और उनके बछड़े को देखा था बछड़ों को देखा था, इसलिए जो लेखक है उनको एक आशा थी कि अभी उनको जो बाघ है वो दिखने ही वाला है और जो वाघिन है यानी कि वाघिन कहाँ मिलने की आशा ज्यादा होती है, जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां पे। तशातच लहान पिल्ल असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं। पण लहान पिल्ल असणारी वाघीण ही जंगलातील सगळ्यात धोकादायक जनावर। तो लेखक को इस बात का भी पता था कि जो वाघीण होती है वह जो जंगल में रहती है और जिसके बच्चे होते हैं वह जो तीजी वाघीण असते ती जंगलातला सर्वात धोकादायक जनावर असत, यह लेखक को इस बात का पता था। पिल्लांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागपुढे बघत नाही। तो यह जो माँ होती है यानी कि नर बाघ जो होता है मादा बाघ, तो वह क्या करती है कि अपने बच्चों की खातिर वह किसी की जान लेने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती। वह कैसी माँ होती है, सजग यानी कि एक जागरूक माँ होती है। त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं। तो इस वजह से क्योंकि जो बच्चे जी पिल्ला असणारी वाघीण असते तर ही अतिशय जागरूक अशी आई असल्यामुळे
लेखकांना काय होतं, त्यांच्या मनावर एक प्रकारचं दडपण होतं की ही वाघीण आपल्यावर हल्ला देखील करू शकते, त्यामुळे आपल्याला पुढे जाताना जी पावलं आहे ती सावधानीने टाकायची आहेत. पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरात धडधडू लागलं. पुढं काय दिसेल या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पडला. इतरांची ही अवस्था वेगळी नव्हती. तो अभी मैं आगे आगे जा रहा हूँ और मेरा जो दिल है वह बहुत ही तेजी से धड़क रहा था, यानी कि मैं बहुत ही घबरा रहा था कि मुझे आगे जाके क्या देखने को मिलेगा. आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली. तो अभी जो है हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हमें क्या रहना है, चौकस, यानी कि चौकन्ना रहना, सतर्क रहना है. ऐसा जो इशारा है खून के लिए, यानी कि इशारा किया वो आंखों ही आंखों में, कि हम बातों में नहीं लेकिन आंखों ही आंखों में हमने यह बोल दिया कि हमें एकदम सावध रहना है. आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं. कुठतरी झाडाच्या बुंध्या आड जांभीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं. तो अभी हमें क्या लग रहा था कि अभी कौन से भी समय क्या होगा, वह जो बाघ है वह हमारे ऊपर दौड़ के आएगी, ऐसे हमें बहुत ही डर लग रहा था, भय था, इसलिए हम आगे ही जा रहे थे. वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती. आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं. तो यह सब जो डर था, वहां का जो माहौल था वह एकदम ही शांत था. जो वारा है यानी कि वारा वाहत होता, पानांची सळसळ, सळसळ यानी कि क्या, कि जब हवा से पत्ते हिलते हैं तो जो आवाज निकलता है वह कैसा होता है, सळसळ. तो वह बहुत ही अच्छी तरह से सुनाई दे रहा था. पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरात धडधडू लागलं. पुढं काय दिसेल या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पडला. इतरांची ही अवस्था वेगळी नव्हती. तो अभी मैं आगे आगे जा रहा हूँ और मेरा जो दिल है वह बहुत ही तेजी से धड़क रहा था, यानी कि मैं बहुत ही घबरा रहा था कि मुझे आगे जाके क्या देखने को मिलेगा. आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली. तो अभी जो है हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हमें क्या रहना है, चौकस, यानी कि चौकन्ना रहना, सतर्क रहना है. ऐसा जो इशारा है खून के लिए, यानी कि इशारा किया वो आंखों ही आंखों में, कि हम बातों में नहीं लेकिन आंखों ही आंखों में हमने यह बोल दिया कि हमें एकदम सावध रहना है. आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं. कुठतरी झाडाच्या बुंध्या आड जांभीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं. तो अभी हमें क्या लग रहा था कि अभी कौन से भी समय क्या होगा, वह जो बाघ है वह हमारे ऊपर दौड़ के आएगी, ऐसे हमें बहुत ही डर लग रहा था, भय था, इसलिए हम आगे ही जा रहे थे. वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती. आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं.
तो यह सब जो डर था, वहाँ का जो माहौल था वह एकदम ही शांत था। जो वारा है यानी कि वारा वाहत होता, पानांची सळसळ, सळसळ यानी कि क्या, कि जब हवा से पत्ते हिलते हैं तो जो आवाज निकलता है वह कैसा होता है, सळसळ। तो वह बहुत ही अच्छी तरह से सुनाई दे रहा था। आओ आओ, अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजानं मी जागीच थबकलो। माझ्या अंगावर सरकन काटा आला। तो अभी मुझे कौन सा आवाज सुनाई दे रहा है, आओ आओ, यानी कि अभी मैं एकदम बहुत ही डर गया और मैं डर के मारे जहाँ था वही मैं रुक गया। माझ्या अंगावर सरकन काटा आला और डर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज आहे, ती या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी। तो एक साल के अनुभव से मुझे यह पता चला था कि यह जो आवाज है वह बाघ निकाल रही है और अपने बच्चों को पास बुला रही है। अचानक पाण्यात थपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो। तो अभी मुझे अचानक से आवाज सुनाई दिया है धपकन, यानी कि कुछ तो गिरा, ऐसा आवाज सुनाई दिया। इसलिए मैंने जो पाणवठा यानी कि जो पानी जमा हुआ था एक जगह पे, वहां देखा तो क्या देखता हूँ, एका पिल्लानं बाजूच्या चांभीच्या झाडातून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तीनही पिल्ल धपाधप पाण्यात उतरली। आईचा आश्वासक आवाज त्यांच्या करता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। तो यह जो आवाज था धपकन, तो वो किसका था, एक जो बछड़ा था, बाघ का बछड़ा, उसने पानी में वह पानी में कूदा था और यह सब देख के उसके जो भाई थे, भाई बहन थे, उन्होंने भी पानी में वे भी पानी में कूद पड़े थे। और उन सब के लिए आईचा आश्वासक आवाज, या आश्वासक यानी कि क्या, वह भी सम्मति दे रही थी कि तुम्हें जितना खेलना है खेलो। और इस वजह से वह सब जो माहौल था उसमें एक तरह का उत्साह आ गया था। वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याखाडच्या जांभळीच्या ताट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच, त्यामुळं तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यक होतं। वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूप धोका असतो, त्यामुळं वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। तो अभी जो ये बाघीन है यानी कि वाघीन होती, तो इनके जो बच्चे है उनको किससे डर था, कि जो दूसरे प्राणी होते हैं जैसे कि नर वाघ, बिबरा, रान कुत्री, तो यह सब जो है इन छोटे छोटे बच्चों के शत्रु होते हैं और उनसे बचाने के लिए इस बाघ को अपने बच्चों की रक्षा करनी है। वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूपच धोका असतो, त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। तो इस वजह से क्या हुआ, यह जो बाघीण थी वह
अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही दक्ष थी, यानी कि एकदम सतर्क थी। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती। आईची हाक अकता ऐकताच अजून दडून बसलेली पिल्ल खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती। तो यह जो बाघिन है वह रात भर भक्ष्य के लिए जंगल में घूम रही थी, और जब बच्चों ने माँ की आवाज सुनाई दी तो वह प्यार से उसकी तरफ दौड़ पड़े है। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबू मधून मला वाघीण येताना दिसले। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। तो मैंने अचानक से क्या देखा, जो बांबू के वृक्ष थे वहां से बाघिन आई और पानी में बैठ गई है। त्यातील एका पिल्लान तर तिच्या पाठीवरच उडी घेतली, पण तिथून घसरल्यान ते धपकन पाण्यात पडलं। तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली, पण पिल्लांना त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नव्हतं। त्यांचा आईभोवती जबरदस्त दंगाधोका सुरू होता। तो अभी जो यह बाघिन है, शेर है, तो वह क्या हुआ था, वह रात भर घूमा है। और वह रात भर क्यों घूमा है, तो अपने बच्चों के लिए शिकार लानी थी, इसलिए वह रात भर घूमती रही। और जब वे थकी हारी आई सुबह है और अपने बच्चों के लिए वह थकी हारी आई है इसलिए वह पानी में बैठ गई है, लेकिन बच्चों को क्या है, मस्ती सूझ रही है। और उसमें से एक बच्चे ने उसके ऊपर कूदा है वह बच्चा, लेकिन उसने क्या जताई है, नापसंती, यानी कि वह बहुत ही थकी हारी है और उसका मस्ती करने का मूड नहीं है। लेकिन वो जो बच्चे थे उनको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं था, उन्हें तो खाली अपनी मस्ती में ही गूंग रहना था और उन्हें तो अपना खेल खेलना था, मस्ती करनी थी माँ के साथ, क्योंकि वह बहुत देरी से आई है, यानी कि रात भर वह शिकार ढूंढ रही थी। और अभी जब सुबह आई तो बच्चों को लगता है कि माँ उनके साथ खेले, लेकिन जो बाघ है वह थक गई है और वह विश्राम करना चाहती थी।